Assalamualaikum, this is me, Ansa Mehreen. आज की वीडियो बेसिकली करंट अफेयर्स के बारे में है। इसका मकसद ये है कि पेपर्स में जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आप कवर कर सकें। करंट अफेयर्स में बहुत से नेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ भी उसमें आते हैं, तो इन्हीं डिफरेंट टॉपिक्स को ये वीडियो कवर करेगी और ये बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड पोर्शन को आज जो है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इंटरनेशनल इशू के हवाले से इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि जो बाइडन के बारे में है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसे नहीं मालूम इमरान खान, स्पीकर नेशनल असम्बली कौन है असद कैसर हैं और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो है मोहम्मद कासिम सूरी। अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली के हैं मियां शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ द हाउस यानी कि नेशनल असम्बली के जो लीडर हैं वो हैं इमरान खान साहब, चेयरमैन ऑफ सेनेट हैं ये सादिक संजरानी हैं और डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट हैं सलीम मंडीवाला। सेनेट के लीडर हैं शहजाद वसीम, अपोजिशन लीडर सेनेट में हैं राजा जफरुल हक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर मोस्ट फेमस जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली पेपर्स में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं जफर महमूद अब्बासी साहब, चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुजाहिद अनवर खान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रजा साहब और डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल बाबर इफ्तखार साहब हैं। चेयरमैन ऑफ नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, चेयरमैन ऑफ एफबीआर जावेद गनी साहब, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकर, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। और सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रेजिडेंट गवर्नर ऑफ ए जी के हैं सरदार मसूद खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजीके राजा मोहम्मद फारूक हैदर, स्पीकर ऑफ एजीके असेंबली शाह गुलाम कादिर साहब और डिप्टी स्पीकर ऑफ एजीके असेंबली आमिर अल्ताफ साहब। लीडर ऑफ द हाउस आज़ाद जम्मू कश्मीर फारूक हैदर खान साहब, अपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, गिलगित बल्तिस्तान के सी एम जो हैं वो हैं मीर अफजल और ये केयर टेकर हैं बेसिकली क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, 15 को इलेक्शन है। गवर्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के राजा जलाल साहब। सीएम ऑफ पंजाब हैं सरदार उस्मान गुजार साहब, गवर्नर पंजाब हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब और डिप्टी स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली हैं दोस्त मोहम्मद मजारी साहब। ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है। सिंध के बारे में अगर बात करें तो सी एम सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, स्पीकर सिंध असम्बली हैं आगा सिराज दुरानी साहब और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली हैं रिहाना लगारी साहिबा। केपीके की बात करें तो सीएम हैं वहाँ पे महमूद खान साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हैं शाह फरमान साहब, स्पीकर हैं केपीके असम्बली के मुश्ताक अहमद साहब और डिप्टी स्पीकर हैं महमूद जान साहब। द लास्ट वन इज़ बलूचिस्तान, सी एम ऑफ बलूचिस्तान हैं जाम कमाल खान साहब, गवर्नर बलूचिस्तान हैं जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्ला और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हैं अब्दुल कुद्दूस और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हैं सरदार बाबर साहब। अब कुछ मिनिस्टर्स के बारे में, डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे परवेज़ खट्टक साहब, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब्दुल हफीज़ शेख, बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं और डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर जो हैं वो हैं जुबैदा जलाल साहिबा।